देश की आजादी का वो दिन किसी महान पर्व से कम नहीं है। इसी दिन हिंदुस्तान ने आजाद हिंद की सुबह को देखा। लेकिन इस आजाद सुबह को लाने के लिए हजारों सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। हम आपको ऐसे ही वीर शहीद की गाथा बताते हैं जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे ही अनसंग हीरो के बारे में बताएंगे जिनके बलिदान को हिंदुस्तान सदियों तक नहीं भूल सकता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमर शहीद हेमू कालानी की। हेमू कालानी का जन्म सिंध के सखर में 23 मार्च 1923 को हुआ था। उनके पिताजी का नाम पेशुमल कालानी और उनकी माताजी का नाम जेठीबाई था। हेमू बचपन से साहसी और विद्यार्थी जीवन से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय रहे। जब वो 7 वर्ष के थे तब वो तिरंगा लेकर अंग्रेजों की बस्ती में अपने दोस्तों के साथ क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व किया करते थे। वर्ष 1942 में 19 वर्षीय किशोर क्रांतिकारी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो नारे लगाते हुए अपनी टोली के साथ सिंध प्रदेश में तहलका मचा दिया था और उनके उत्साह को देखकर हर सिंधवासी में जोश आ गया। हेमू सारे विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए लोगों से अपील किया करते थे। अक्टूबर 1942 में हेमू को पता चला कि अंग्रेज सेना की एक टुकड़ी और हथियारों से भरी ट्रेन उनके नगर से गुजरेगी, तो उन्होंने अपने साथियों के साथ इस ट्रेन को गिराने की सोची। उन्होंने रेल की पटरियों की फिश प्लेट निकालकर पटरी उखाड़ने तथा ट्रेन को डिरेल करने का प्लान तैयार किया। हेमू और उनके दोस्तों के पास पटरियों के नट बोल्ट खोलने के लिए कोई औजार नहीं थे, इसलिए लोहे की छड़ों से पटरियों को हटाने लगे, जिससे बहुत आवाज आने लगी। अंग्रेजी सैनिकों को आभास लग गया। हेमू और उनके दोस्तों को पकड़ने के लिए अंग्रेजों का एक दस्ता तेजी से दौड़ा। हेमू ने सारे दोस्तों को भगा दिया, किंतु खुद पकड़े गए और जेल में डाल दिए गए। क्रांतिकारी हौसले से भयभीत अंग्रेजी हुकूमत ने हेमू की उम्र कैद को फांसी की सजा में तब्दील कर दिया। पूरे भारत में और खासकर सिंध प्रदेश में सभी लोग और तमाम क्रांतिकारी संगठन हैरान रह गए और अंग्रेज सरकार के खिलाफ विरोध जताया। हेमू को जेल में अपने साथियों का नाम बताने के लिए काफी प्रलोभन और यातनाएं दी गईं। उन पर जुल्म किया गया, लेकिन उन्होंने मुंह नहीं खोला और इनकलाब जिंदाबाद और भारत माता की जय घोष के साथ उन्होंने फांसी को स्वीकार किया। देश पर कुर्बान होने वाले ऐसे अमर शहीद को हिंदुस्तान नमन करता है।